YouTube India हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गाइज अगर आप लोग R2H के फैन है तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बैड इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको बता दूं कि अभी उनका वीडियो आया 1959 जो कि इतना ज़्यादा अच्छा वीडियो था और उस पर इतना ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा वो रिकॉर्ड्स भी बना रहा था। जैसा कि राउंड टू हेल बराबर अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में शेयर कर रहे थे कि उनका वीडियो इतना पहुँचा, इतना लाइक, मतलब पूरी बात वो शेयर कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राउंड टू हेल के फ़ैन के लिए बहुत ही ज़्यादा बैड इन्फॉर्मेशन है क्योंकि राउंड टू हेल बहुत ही ज़्यादा इस समय सैड हैं। मैं आपको बता दूं कि उनका वीडियो जो कि इतनी मेहनत से उन लोगों ने बनाया, इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया, इतना ज़्यादा टाइम लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ वीडियो को क्रिएट करते हुए उन्होंने यूट्यूब पर पोस्ट किया, लेकिन अभी तक उनका वीडियो ट्रेंडिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड है और उनका एक वीडियो भी है, मैं आपको वो वीडियो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप एक जैन शेफी का एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब इंडिया हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और अगर कर भी रहे हो तो क्यों कर रहे हो? प्लीज़ चलो कर लो, ठीक है मत दो ट्रेनिंग में, पर बता तो दो क्यों, सिर्फ हमारे साथ ही क्यों? तो गाइस जैसा कि आपने जैन शेफी का वीडियो देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है कि उनका वीडियो इतनी मेहनत के बाद उनका वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आया है। और मैं आपको बता दूं कि वो यूट्यूब से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर उनके ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि ट्रेंडिंग में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको आशीष चंचलानी का वीडियो देखने को मिलेगा। हालांकि उनका वीडियो कल आया लेकिन उनका वीडियो ट्रेंडिंग में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन राउंड टू हेल का वीडियो अभी ट्रेंडिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि राउंड टू हेल बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड हैं। तो आप लोग बताइएगा क्या इनके साथ ऐसा होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए। जैसा कि राउंड टू हेल बहुत ही ज़्यादा सैड में है, इतनी मेहनत के बाद इतना ज़्यादा व्यूज़ भी असीव करने के बाद उनका वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गया जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या उनके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है फिर गलत हो रहा है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। अगर आपको ऐसी अपडेट्स पाना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए।